यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसा आप लोग। और भाई आज ना बहुत ज्यादा स्पेशल डे होने वाला है क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। और भाई अपनी वीडियो में भी कुछ स्पेशल होने वाला है। और भाई रिपब्लिक डे को आपको पता है एक कॉमन चीज होती है, वो होता है अपना इंडियन फ्लैग। और वो इंडियन फ्लैग हम माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं, बनाने नहीं वाले, मैं पहले ही बना चुका हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी बनाने में, तो भाई आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। अभी ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आप वीडियो को लाइक कर दो और मैं सीधा आपको फ्लैग वाली एंट्री पर लेकर चलता हूँ। तो ये अपनी प्यारी सी फ्लैग तक जाने की एंट्री। और भाई यहाँ पर ना मैंने शूम लाइट का यूज भी किया था कि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। और अभी ना काम करता हूँ, सीधा आपको ऊपर लेकर चलता हूँ क्योंकि आपको फ्लैग दिखाना है। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और आप भी एक्साइटेड हो चुके होंगे अभी तक तो। और भाई साहब जल्दी से चलते हैं। और एक सेकंड, अबे ये क्या है भाई, यहाँ पर ये बुर्ज खलीफा किसने खड़ी कर दी ऑरेंज कलर की। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया यहाँ पर, मेरा एक फ्लैग था, पता नहीं किसने कवर कर दिया फ्लैग को। भाई एक सेकंड, यहाँ पर सामने ना बेड रखा हुआ है किसी का, और ये बेड तो यार मेरा है ही नहीं क्योंकि यार यहाँ पर मैंने बेड रखा नहीं था। तो मेरे बिना परमिशन के मेरे वर्ल्ड के अंदर कौन आ गया, अभी पहले बेड को तोड़ता हूँ। और पागल क्या कर रहा है, पागल हो गया, तूने पूरे पूरे फ्लैग को कवर कर दिया, पागल हट यहाँ से। भाई साहब यही मेरा पूरे फ्लैग को कवर कर रहा था, पर कर क्यों रहा था और तू आया कैसे बिना मेरी परमिशन के यहाँ पर। अभी ये सब छोड़, तू आ तो गया और भाई तूने मेरे फ्लैग को क्यों कवर करा, भाई तू करना क्या था। और भाई एक सेकंड पे पूरा फुल नेदरराइट का आर्मर है। और भाई मेरे पास तो भाई आयरन का भी आर्मर नहीं, इसने मेरा पूरा एक हार्ट कवर कर दिया भाई एक हाथ मार के। भाई साहब इससे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, भाई प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे आई विल डिस्ट्रॉय योर वर्ल्ड। अबे पागल हो गया क्या, तू मेरा वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, अबे मत मारना यार। अबे भाई पागल निकल यहाँ से चल। अभी ना एक काम होता है, आपको फ्लैग दिखाता हूँ, पर उससे पहले ना जल्दी से ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। भाई तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है, ऑरेंज ब्लॉक का तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। डोंट ब्रेक एनी ब्लॉक। अबे ये क्या कह रहा है, बेबे ओ पागल हो गया क्या, मार क्यों रहा है मुझे। भाई मेरे ही वर्ल्ड में आके मुझे मार रहा है यार, इसकी इतनी हिम्मत। अभी रुक जा यार, मैं अपना आर्मर वगैरह बना लेता हूँ, फिर तेरी बैंड बजाऊंगा। अबे टीएनटी, ओ भाई यहाँ पे इसने टीएनटी क्यों लगा के रखा है। अबे भाई वहां पर नहीं है, अच्छा हुआ, वरना भाई मेरा पूरा वर्ल्ड यहाँ से, भाई अपना फ्लैग जो मैंने बनाया था मेहनत से वो बर्बाद हो जाता। भाई क्या चाहता है तू मुझे बता दे यार, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा जो तू चाहता है यार। भाई इन्हने क्या लिखा, आई प्लांट टीएनटी दिस प्लेस। अबे ऑल ओवर, अबे भाई पागल है क्या। अबे भाई अच्छा हुआ, अबे भाई अगर हम और ब्लॉक तोड़ते तो हमारा फ्लैग पूरा बर्बाद हो जाता यार। अबे ऐसा मत कर, देख मैं कितना क्यूट वाला पांडा हूं यार, मैं तेरे लिए नाचूंगा, देख 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 यार प्लीज। ये क्या लिखा इसने, फॉलो मी। भाई इसको फॉलो करने को बोल रहा है, मार क्यों रहा है पागल फॉलो मी बोल के। अबे यार ये कहां पर जा रहा है, ये तो पार्कोर वगैरह कर रहा है, कितना नूब है, इससे पार्कोर तक नहीं हो रहा। ओ भाई ये चाहता है हम इसके पीछे आए पार्कोर करके। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से इसके पीछे चलते हैं, क्या पता है हमारी बात मान जाए और अब आपको फ्लैग दिखाने दे। तो अभी ना पे नीचे तो उतर जा, भाई धक्का क्यों दे दिया भाई इसने मुझे, मार रहा। भाई भाई मत मार यार, मेरी हेल्थ देखो यार कितनी कम कर दी है इसने मार मार कर। अभी ना यार मैं देखता हूँ क्या कहना चाह रहा था, यहाँ पर इसने ब्लॉक लगा दिया पागल ने, पता नहीं क्यों मुझे भागने नहीं देना चाहता शायद। यहाँ पर लिखा है आई विल चैलेंज यू प्रेस द बटन। भाई यहाँ पर एक बटन दिया है, भाई चाहता क्या है तू, ये ब्लॉक क्यों लगाया तूने, भाई पागल हो गया क्या यार तू, ये बटन दबा के क्या होगा, कहीं मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगा यार। अबे भाई बता दे ये उछल क्यों रहा है यार। भाई मुझे लगता है ना मुझे बटन दबा देना चाहिए, शायद ये चाहता है मैं बटन दबा दूँ, क्या पता ये ऑरेंज ब्लॉक सारे हट जाए यहाँ से। अभी दबा के देखता हूँ। ओ भाई ये कहाँ पर आ गया यार मैं, भाई साहब मैं तो स्काई के ऊपर आ चुका हूँ, इतनी ऊंचाई पे भाई यहाँ से गिरा तो भाई मेरा बचना तो नामुमकिन है। एक सेकंड, ये तो पार्कोर वाला मैप है भाई, मुझे लगता है मुझे पार्कोर चैलेंज करना चाहता है। इसको पता नहीं मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ, इसको अभी दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा प्रो हूँ पार्कोर में। ये देखो, अबे भाई मैं यार मैं नीचे कैसे गिर गया भाई साहब। अभी कोई बात नहीं यार, अपने मर के ना वर्ल्ड में चले जाएंगे वापस से। ये क्या हुआ, मैं फिर से इधर आ गया, भाई मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, जब तक मैं पार नहीं करूंगा भाई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अभी ना एक काम करता हूँ, बिल्कुल आराम आराम से करूंगा तो मैं यहाँ से पार कर ही लूंगा। तो अभी ना यार मैं बस थोड़ा सा ही, बस एक लेवल और बाकी है, उसके बाद सीधा पार। भाई ये लेडर पे कैसे चढ़ना, कोई बार नहीं ट्राई करते हैं। ओ भाई बच गया, और ये हुआ, ओ भाई सामने अपना प्यारा सा इंडियन फ्लैग है, उसे कलेक्ट करना है शायद हमें। तो अभी ना देखो भाई मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से गिरा ना तो भाई मैं फिर से मर जाऊंगा, वैसे तो मर चुका हूँ एक बार। कोई बात नहीं, अभी ना यार चलो एक काम करता हूँ, सीधा ना वहाँ पर चलता हूँ। अरे भाई आप लाइक कर देना मेरा पार्कोर देखकर, मैं कितनी अच्छी छलांग लगाऊंगा अब यहाँ से। तो देखो यार यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो थोड़ा लंबी जंप लगाएंगे। भाई साहब स्टेट टू पर आ चुका और ये इंडियन फ्लैग कलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे लगता है ना भाई मुझे एक और लेवल क्लियर करना पड़ेगा। ये देखो, ओह भाई अब तो मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा क्योंकि मुझे भाई पार्कोर किंग कहते हैं मेरे दोस्त। तो अभी ना यार यहाँ पर 1 2 3 भाई लाई, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई लोग ये चीटिंग कर रहे हैं, मैं भाई उस ब्लॉक पे पहुंच गया था फिर भी पता नहीं मैं नीचे कैसे स्लिप हो गया। अभी कोई बात नहीं, अब ना यार बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बिल्कुल भाई एकदम एकदम करेंगे। ये देखो तुम्हारा भाई, अबे यार फिर से नीचे क्यों गिर गया। भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।
मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की इस स्टेज को पार करने की, पर कभी मैं भाई लास्ट ब्लॉक पे से गिर जा रहा था, कभी मैं फर्स्ट ब्लॉक पे से गिर रहा जा रहा था, भाई मुझसे पार्कोर हो ही नहीं रहा था। और कई बार तो भाई मैं पहुंचते पहुंचते ही रह जा रहा था लास्ट ब्लॉक तक। तो भाई मैंने ठान लिया था इस बार तो मैं इसको पार कर ही रहूंगा। अब ना यार मैं एकदम आराम आराम से करूंगा, मैं समझ चुका हूँ मुझे कैसे करना है। मुझे ना भाई बस थोड़ा सा भाई एकदम से जंप लगा के बैठ जाना है जमीन पर, ताकि मैं नीचे गिरू ही नहीं। तो अभी ना भाई एक ब्लॉक और बाकी। ओ भाई सामने वाला भाई, मैं बार बार यहाँ से ही गिर जा रहा था, पर इस बार ना मैंने क्लियर कर लिया। मुझे एक लंबी से जंप लगा दी और सामने एक और इंडियन फ्लैग है, वहां तक पहुंचना है। तो अभी ना देखो भाई लगा दी मैंने जंप। ओ भाई 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 यार ये क्या हुआ, मैं पहुंच से पहुंचते रह गया यार। ओह गॉड प्लीज नो नो No! इस बार मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, इस बार तो ये मैं पार कर रहूंगा भाई। अब ना भाई मैं नीचे नहीं गिरने वाला, इस बार तो ये लेवल क्लियर करके रहूंगा। या तो ये लेवल रहेगा या तो मैं लेने वाला हूँ। तो अभी ना भाई साहब ये यहाँ पर मैं हर बार आ जाता हूँ भाई, नीचे गिर जाता हूँ, इस बार नहीं गिरूंगा। इस बार ना इतनी लंबी जंप लगाऊंगा ना पूरा माइंड का वर्ल्ड देखता रह जाएगा भाई। ओ भाई बच गया भाई साहब, बार बार यहाँ पर ही गिर रहा था। अभी और सामने एक और जंप लगानी है मुझे, बहुत ज्यादा स्पेशल जंप है। ओ भाई अगर मैं यहाँ से गिर जाता ना, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भाई इस भाई पूरा गेम डिलीट कर देता भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लग गई यहाँ तक आने में। अभी भाई मुझे आगे भी जाना है, तो स्टेज 3 थी भाई, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है। कोई बात नहीं, काम करता हूँ, सामने ग्लास वाला है तो इसको आराम से करेंगे 1। और भाई देख रहे हो यार कितना डेंजरस काम कर रहा हूँ मैं अभी, ये 2। ओ भाई यहाँ पर तो बहुत जल्दी हो गया भाई, ये क्या हुआ। अभी ना यार बहुत ज्यादा देर हो चुकी है मुझे इस स्टेज पर अटके हुए, अब तो मैं पार कर करूंगा। बस एक लास्ट ब्लॉक और रह चुका, उसके बाद मैं सीधा इंडियन फ्लैग पे पहुंच जाऊंगा। ये लगा मैंने जब, ओ भाई बिल्कुल कॉर्नर पे गिरने वाला था ये, भाई साहब मैंने पार कर लिया। पर अभी एक और स्टेज है भाई, कितने सारी स्टेज है यहाँ पर, मुझे लगता है वहां पर जाना पड़ेगा मुझे। ये यार सामने फ्लैग तो नहीं है, फिर भी एक बार करता हूँ, सामने जाकर देख लेता हूँ। ओ भाई क्या हुआ, नीचे क्यों गिर गया यार मैं फिर से भाई साहब। पता नहीं यार मैं मरूंगा या नहीं। अबे 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 ये क्या हुआ, अबे यहाँ पर कैसे आ गया। कांग्रेस यू विल विन, यू सी योर स्पेशल सरप्राइज। अबे भाई बच गया क्या यार मैं, भाई साहब फाइनली मुझे भाई, मुझे लगता है इसने वो ऑरेंज ब्लॉक पूरे हटा दिए, मैं इसका चैलेंज जीत चुका हूँ। ओ भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मेहनत किया हुआ फ्लैग, देखो यार कितना औसम लग रहा है। अभी ना आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, कितना प्यारा लग रहा है अपना इंडियन फ्लैग। तो भाई इसको कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है भाई इसने। भाई लांबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरी ऐसी कितने से यहाँ पर, तू रुक कहाँ पर जा रहा है भाई, थूक रहा है मुझ पे, तेरी ऐसी कितनी थी, अब तू नहीं बचेगा, अभी मैं तुझे छोड़ने वाला था, अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। भाई ये लामबा तो बहुत बदतमीज है यार, मेरे ऊपर थूक रहा था। अभी ना आपको मैं दिखाता हूँ एकदम क्लियर हो चुका अपना, भाई यहाँ पर देखो कितना प्यारा लग रहा अपना फ्लैग, मैंने गोल्ड का भी यूज करा। अभी ना एक काम करो, पूरा इंडियन फ्लैग का व्यू लो और मजा लो। आई होप आपको यार फ्लैग बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और भाई मेरा पार्कोर भी। और भाई एक सेकंड, मैं आपको सीक्रेट बेस दिखाना ही भूल गया, मेरा ना इस फ्लैग के ठीक नीचे ना अपना एक बेस बनाकर रखा है जहाँ पर मैं रहता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यार मैंने कितना खतरनाक बनाया कर रखा है यहाँ पर सीक्रेट बेस। अभी ना देखो यहाँ पर ना मैंने एक और चीज बनाई जो कि आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये मेरा बेड जहाँ पर मैं आराम से सोता हूँ, सामने मेरी चेस्ट है, और यहाँ पर ना मैंने लाइटिंग की वजह से लावा भी रख कर रखा है। और भाई यहाँ पर लावा के साइड में मैंने अपनी क्राफ्ट रूम केवर भी रखी है, तो यहाँ पर देखो इस लावा से कितनी रोशनी होती है। और आपको ये रहा वो सरप्राइज जो दिखा रहा था, यहाँ पर भी मैंने एक वॉल के ऊपर इंडियन फ्लैग बनाकर रखा है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है ऊपर वाले फ्लैग से भी। और हर एक और चीज बताता हूँ, ये जो टनल जा रही है ना सीधा बिल्कुल इंडियन फ्लैग के सेंटर में निकल रही है, तो भाई ये टनल मैंने स्पेशली बनाई थी, यहाँ पर भी हम कुछ और बनाएंगे अच्छी सी चीज। और भाई यहाँ आपके शाउट आउट भी दे देता हूँ यार। अभी मैं आ चुका हूँ अपने प्यारे से फ्लैग के पास, यहाँ पर शाउट आउट देने में अलग ही मजा आएगा। तो ये रहे आज के प्यारे प्यारे शाउट आउट, अमित वेंकटी गौतमी लक्ष्मण श्रद्धा सुनील देवा भरत और हितांश। तो यार मैं आपको एक बात बता दूं, माइनक्राफ्ट ना मुझे अभी नहीं आता प्रॉपरली, मैंने भाई अभी सीखना चालू किया, तो भाई थोड़े टाइम बाद आपको इसकी भी वीडियो रेगुलरली मिलने लगेगी। और हाँ आपको कैसा लगता है माइनक्राफ्ट मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो, और ये फ्लैग कैसा लगा ये भी कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।